दिन रविवार, समय करीब दोपहर 12 बजे, जगह न्यू अनाज मंडी की एक फैक्ट्री। यहां से चंद कदम दूर अग्निकांड में 43 लोगों की मौत हो गई। इस इमारत का ढांचा धीरे धीरे आग की चपेट में आता चला गया और पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा के इलाके को बंद कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन 43 मौतों का जिम्मेदार कौन है, सरकार, प्रशासन या वो लोग खुद जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पोस्टपुन न्यूज एंड मीडिया में और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। इन सब हादसे के बीच एक फोन रिकॉर्डिंग सामने आई है। एक शख्स है मुशर्रफ, जो दिल्ली में अग्निकांड हुआ है उसके एक कमरे में अपनी मौत को खुद देख रहा है। उसको पता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, ना ही वो यहाँ से निकल सकता है। इसी बीच उसने अपने दोस्त मोनू को फोन किया। आप भी सुनिए, आपकी रूह कांप उठेगी। आखिरी वो बातचीत ऐसा क्या कहा मुशर्रफ ने अपने दोस्त मोनू से। हेलो, मोनू। हाँ। भैया खत्म होने वाला आज, हा? खत्म होने वाला, आग लगने वाली है। हाँ। भैया आज ये करोल बाग। कहा मोनू से नंबर ले लियो, वो जो मोनू का गुलजार। हाँ। इस टाइम कमरा रहा है, भागना कहीं रात का नहीं, आग लग गई भाई दिल्ली। हाँ। उधर निकलना वहां से नहीं है मोनू, कहीं को रास्ता भागने का भैया। हाँ? भागने का रास्ता नहीं है। वो बड़ी खत्म हुआ आज भैया, मैं अब देखे घर का भैया ध्यान नहीं किया मेरे। अब मेरे भाई ठीक है, तू ही है भैया। अब देखे सुन पल। हाँ भैया, साथ भी नहीं लिया जा रहा मोनू, अब साथ भी नहीं लिया जा रहा। आप कैसे लगती पता नहीं दे, मतलब अल्लाह देखे भैया साथ कर दिया। अरे और भी जगह दाह लाए, कई सारे है तो निकलना कई बात तो नहीं फोन करता, नहीं कुछ नहीं हो रहा। ना उसे कॉल करते ना, पहुंच जाओ जो पानी पानी वाली। हाँ अब कुछ ना बोलू बस, पाँच दिन भैया देखे। अरे यार भैया घर का ध्यान मेरे भैया देखे। हाँ पानी वाली कॉल करते हो ना भैया देखे, कुछ नहीं हो रहा भाई। अल्लाह आ रहा आग कैसे लगे मोनू, देखे मेरे बच्चों का, मेरे घर का ध्यान रखिए मेरे भैया। ऐसे कितने लोग होंगे जो सांस नहीं ले पा रहे होंगे। उनको पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। जो लोग इस हादसे में मरे हैं, केजरीवाल सरकार ने उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, और जो लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, केजरीवाल सरकार ने उन लोगों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की है। लेकिन उससे क्या, जिन लोगों ने अपने करीबों को खोया है क्या वो उस मुआवजे से वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनके जख्म पर 10 लाख रुपए का मुआवजा कतई नहीं है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टपुन न्यूज मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। धन्यवाद।